ओके यस बहुत सारे लोग. सो माय डियर फ्रेंड्स, मोदी केयर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से घर का सामान यूज करके, खुद का जरूरत का सामान यूज करके आज हम सबको मौका मिला गोवा जाने का. सो मैं पिछले 22 साल से मैं टेंट हाउस का काम कर रहा हूँ एज ए बिजनेसमैन. मैं दिमापुर से अच्छा खासा मैं पैसा भी कमाया, काम भी कर रहा हूँ, लेकिन कभी भी मुझे मौका नहीं मिला अपने फैमिली को लेके गोवा जा पाऊँ या खुद. ठीक है, सो मोदी केयर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से मुझे मौका मिला दिल्ली जाने का, जो लास्ट टाइम हमने आज़ादी मार्च में जाके आया, 5 स्टार में रहने का मौका मिला. और अभी मैं गोवा लास्ट मंथ क्वालिफाई किया, दिस मंथ भी मैं क्वालिफाई कर जाऊंगा. और मेरा जो वादा है, मैं अपने टीम को लेके जाना चाहता हूँ, एटलीस्ट 15 लोगों को मैं क्वालिफाई करना चाहता हूँ. सो आप लोग भी रेडी है जाने के लिए और अपने टीम के साथ. सो इस अपॉर्चुनिटी को, इस प्लेटफॉर्म को और इस गोवा ट्रिप को क्वालिफाई करने के लिए जो भी मूल मंत्र है, जो भी एक्सपीरियंस चाहिए, जो भी सपोर्ट चाहिए, जो भी नॉलेज चाहिए, उसी चीज को देने के लिए मेरा अपलाइन, मेरा ग्रेट मेंटर मिस्टर ब्रिजभूषण सर आज हम सबको ट्रेन करने वाला है. जो लोग क्वालिफाई कर लिया और जो लोग नहीं कर पाया, तो ये कितना आसान है. मेरा अपलाइन आज हम सबको ट्रेनिंग देने वाला है. सो मेरा अपलाइन के बारे में मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा. मैंने यूट्यूब से मेरा अपलाइन को मुझे मिला, मैंने ज्वाइन किया थ्रू यूट्यूब. एंड दिल्ली जाने के बाद मेरे अपलाइन को मैंने फेस टू फेस देखा और इनका बिहेव भी देखा, इतना अच्छा है, इतना डायनेमिक पर्सनैलिटी है, जो सिर्फ दिन रात अपनी टीम के लिए सोचता है, अपना एफर्ट्स डालता है टीम के लिए. सो मैं ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहता, मैं एक एक्साइटमेंट, एक जोरदार क्लैपिंग के साथ, आप लोग साइन भी कर सकते हैं, क्लैपिंग साइन दे के मैं इनवाइट करना चाहूंगा आवर ग्रेट अपलाइन, ग्रेट मेंटर मिस्टर ब्रिजभूषण सर जी. ओवर टू यू सर. थैंक यू. थैंक यू विरोध सर, आपने बहुत अच्छा होस्टिंग किया. और अभी मैं आपका ऑडियो ही सुन रहा था और ऑडियो सुन के ऐसा लगा कि मतलब वाकई में आप जैसा लीडर अगर किसी टीम को मिल जाए तो वो टीम डेफिनेटली बहुत जल्दी से आगे बढ़ सकता है. और ये जो अभी विनोद सर ने आपको बोला कि आज का जो ये सेशन है वो स्पेशली गोवा के लिए है, क्योंकि दोस्तों गोवा में अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हो तो आपको प्रोडक्ट का नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपको प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं है और प्लान का नॉलेज है तो आप लड़ाई जीत नहीं सकता. अभी आज सुबह ही मैं ये दो बैग लेकर गया था अपने फ्रेंड के यहाँ, ये अपना डेमो किट है और इसके अलावा ये मेरा पूरा बैग भर के मोदी केयर के प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें सारे के सारे प्रोडक्ट हैं हाई बीबी प्रोडक्ट्स. ठीक है, इसमें तेल मसाला घी नहीं है, सारे हाई बीबी प्रोडक्ट हैं. और मैंने अगेन गोवा का जो दूसरा फेज था उसमें भी मैंने तकरीबन 30% अपना क्वालिफाई कर लिया, क्योंकि मैंने हाई बीबी प्रोडक्ट दिए, डिटॉक्स दो दिया और इतना ग्लूकोजामाइन दिया. मैं क्यों दे पाया, और बहुत सारे लीडर्स हैं जैसे अभी विनोद सर ने क्वालिफाई किया, बहुत सारे लोगों ने क्वालिफाई किया, ये लोग क्यों क्वालिफाई कर पाए, क्योंकि इनको प्रोडक्ट की नॉलेज है. तो ये जो सेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है और मैं चाहूंगा आप लोग ध्यान से देखिए. अगले आधे घंटे 40 मिनट में मैं आपको एक क्रैश कोर्स देने वाला हूँ मोदी केयर के सारे प्रोडक्ट के बारे में. ठीक है विनोद सर, आप कंफर्म करिए मेरा वीडियो बिल्कुल क्लियर आ रहा है, आवाज बिल्कुल क्लियर आ रहा है. बिल्कुल सर, बिल्कुल क्लियर है, बहुत अच्छा. थैंक यू, थैंक यू. तो दोस्तों स्टार्ट करेंगे गोवा प्रमोशन के लिए. गोवा प्रमोशन के लिए हमको हाई बिजनेस वॉल्यूम वाले प्रोडक्ट चाहिए, तो मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो हाई बिजनेस वॉल्यूम है. हाई बिजनेस वॉल्यूम टू लो बिजनेस वॉल्यूम के सीक्वेंस में हम लोग चलेंगे, ताकि हमको समझ में आए कि कौन से प्रोडक्ट्स को हम सेल करके जल्दी से गोवा क्वालिफाई कर सकते हैं. तो दोस्तों सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा हाई बीबी प्रोडक्ट से. जो सबको पता है एक इन्वायरो चिप और इन्वायरो ग्लोब है, तो ये अपना चिप है जो कि हम मोबाइल फोन के पीछे लगाते हैं तो हमको रेडिएशन से मुक्ति मिलता है. रेडिएशन एक ऐसा बीमारी है जिससे आज के डेट में पूरा इंडिया, पूरा वर्ल्ड जो है वो ग्रसित हो रहा है. रेडिएशन क्या होता है, जब आप मोबाइल फोन को यूज करते हो तो मोबाइल फोन से वेव्स निकलते हैं जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उसको हम रेडिएशन भी बोलते हैं. रेडिएशन से क्या होता है, हमारा मेमोरी वीक हो जाता है, रेडिएशन से हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, रेडिएशन से स्लीप डिसऑर्डर हो सकता है, नींद ना आना रात में, रेडिएशन से इम्यूनिटी वीक हो जाता है. छोटे बच्चे जो होते हैं 10 साल से कम, उन्होंने उनके दिमाग में मानसिक विकास कम हो जाता है. तो उसके लिए हमारा इन्वायरो चिप है सिंगल के पैक में और फैमिली पैक में, जो कि आपको अपने मोबाइल के पीछे लगाना है, अपने लैपटॉप के पीछे लगाना है,
वाईफाई राउटर पे आप लगा सकते हैं तो आपके मोबाइल का जो रेडिएशन का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा और आप अपने बच्चों को मोबाइल दोगे तो टेंशन नहीं रहेगा। अगर आप अपने प्रोस्पेक्ट से बात करना शुरू करो, आपको समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से शुरू करें, तो ऑलवेज स्टार्ट विथ एनवायरो चिप, क्योंकि इससे आपके प्रोस्पेक्ट के मन में जिज्ञासा होगी। अगर मैं किसी के घर पे जाता हूँ तो मैं पता है क्या स्क्रिप्ट यूज करता हूँ कि भैया मेरे को ना आपके घर पे आना है, तो बोलता है कि क्या काम है, मैं बोलता भैया आपके यहाँ छोटे बच्चे हैं उनका ऑनलाइन क्लास चल रहा है, तो मेरे पास एक बहुत आपके काम का इन्फॉर्मेशन है जिससे छोटे बच्चों को जो ऑनलाइन क्लास के बहुत सारा बीमारियां और बहुत सारा हेल्थ इश्यू होता है उससे बच सकते हैं। तो सामने वाला मेरे को खुद वेलकम करके बुलाता है, हाँ हाँ ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन है तो जरूर आइए। तो मैं आप लोगों को एक आइडिया दे रहा हूँ कि एनवायरो चिप एक ऐसा इंपॉर्टेंट चीज है ना जो आप लोगों आपको प्रोस्पेक्ट में घुसने घर में घुसने का मौका देगा। मतलब आपको समझ नहीं आ रहा ना मैं क्या बोलूं कि मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, मैं तुमको बताना चाहता हूँ। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है लोगों का कि लोग कैसे घर पे जाना है प्रोस्पेक्ट के, यही नहीं समझ में पाते। तो ये जो प्रोडक्ट है ना ये एक टिकट है प्रोस्पेक्ट के घर में घुसने का। सिंपल से आप ये बात करिए कि भैया मेरे पास एक बहुत ही लाजवाब प्रोडक्ट है या फिर एक बहुत अच्छा एक चीज है जिससे बच्चों की हेल्प की जा सकती है। तो ये है, ये आपके मोबाइल पर काम करेगा। उसके अलावा हम सेम इसी चीज के लिए हमारे पास एनवायरो ग्लोब है। ये जो चिप है ये केवल मोबाइल के ऊपर काम करता है, बट ये जो ग्लोब है ये आप जहां पर भी रखोगे अपने घर में ये 300 से 350 स्क्वायर फीट तक काम करेगा। मतलब अगर मैंने इसको अपने यहाँ पर गेस्ट रूम में, तो ये मेरे पूरे घर को ये कवर करेगा जो अपना रेडिएशन होता है। और ये जो प्रोडक्ट है इसमें कोई बैटरी है, पूरे जिंदगी भर चलता है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। ये जो प्रोडक्ट है इसको हफ्ते में एक दिन सूरज की रोशनी में 15 मिनट या फिर आर्टिफिशियल लैंप जैसे CFL के नीचे 15 मिनट रखना पड़ता है। ये जिंदगी में एक बार पैसा लगाना है और जिंदगी भर ये चलेगा, इसका कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। तो ये जो दो प्रोडक्ट है ये प्रोस्पेक्ट के मन में जिज्ञासा पैदा करने के लिए है और आप आराम से किसी के भी घर में जा सकते हो। उसके बाद जो अगला प्रोडक्ट है वो है हमारा प्रोटीन। अगर आपको 30-40 पीवी एक प्रोडक्ट में चाहिए तो हमारा आल प्लांट प्रोटीन है जिसमें 40 पीवी है और अपना ये प्रोटीन कर जिसमें मोटा बिजनेस वॉल्यूम है और ये प्रोडक्ट मार्केट से बहुत अच्छा है, हाई क्वालिटी प्रोटीन है। 10 ग्राम में तकरीबन 0.8 ग्राम, मतलब अगर आप 100% मानोगे तो 80% इसमें हाई क्वालिटी प्रोटीन है। मार्केट में कुछ भी बेचते हैं जिम वाले या फिर कोई भी दवाई वाला कुछ भी बेचता है, बट ये जो अपना प्रोटीन है ये चॉकलेट फ्लेवर में आता है, ये बड़े लोगों के लिए है, छोटे बच्चों के लिए अलग है। आप इसको अगर ले रहे हो तो प्रोटीन की कमी आपके बॉडी में नहीं होगी। प्रोटीन की कमी से आंखों की रोशनी कमजोर होती है, हमारे हेयर फॉल होते हैं, प्रोटीन की कमी से इम्यूनिटी कम होती है। ये जो प्रोडक्ट है ये दूध के साथ आपको लेना है, चॉकलेट फ्लेवर में आता है, ये आप ले सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास हाई बिजनेस वॉल्यूम में ये एक प्रोडक्ट है जो सेम काम के लिए है, स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट। छोटे बच्चे को हम लोग बॉर्नविटा देते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट देते हैं, किस लिए? ब्रेन डेवलपमेंट हो, किस लिए? उनकी हाइट बढ़े। तो ये जो प्रोडक्ट है ये ब्रेन इम्यूनिटी को तो बढ़ाता ही है और इसमें एक ऐसी चीज है जो मार्केट के किसी भी प्रोडक्ट में नहीं है, उसको बोलते हैं कोलेस्ट्रम। हमने कई बार टीवी में देखा है कि जब भी बेबी का जन्म होता है तो उसको सबसे पहले माँ का गाढ़ा पीला दूध देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कोलेस्ट्रम होता है जो छोटे बच्चे को रोगों से लड़ने की क्षमता देता है और इम्यूनिटी बढ़ाता है। तो हमारे स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट में गाय के दूध का कोलेस्ट्रम डाला है जो मार्केट के किसी भी पाउडर में नहीं है। तो ये जो प्रोडक्ट है ये बहुत अच्छा है, 2 साल से 12 साल के बच्चे इसको ले सकते हैं, बहुत अच्छा है, चॉकलेट फ्लेवर में बच्चे बहुत पसंद करते हैं। और इससे अभी जो कोविड का प्रॉब्लम है, इम्यूनिटी कम हो रही है, इम्यूनिटी में बढ़ाने काम आता है। ये मेरे घर में महीने का 4 डब्बा लगता है, देखो ये 2 डब्बा है, 3 डब्बा है और 1 डब्बा मेरे किचन में है। तो ये जो प्रोडक्ट है, मेरी बेटी जो है वो डांस में काफी अच्छी है तो बहुत प्रैक्टिस करती है तो थक जाती है, बट ये लेती है तो उसको थकान बिल्कुल भी नहीं होती क्योंकि इसमें एनर्जी काफी अच्छा होता है। तो ये तो हो गया प्रोटीन के बारे में। अब मैं आपको बता रहा था कि एक और प्रोटीन है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं आल प्लांट प्रोटीन। तो ये जो प्रोटीन है और ये जो प्रोटीन है, हमारे पास 2 प्रोटीन है, एक जो है प्रोटीन क्रेस्ट और एक जो है आल प्लांट प्रोटीन। तो ये जो आल प्लांट प्रोटीन है इसमें कोई भी कोलेस्ट्रॉल नहीं है, मतलब इसमें कोई मीठापन नहीं है और इसमें थोड़ा सा चॉकलेट का फ्लेवर डाला है। इसका मतलब अगर आप जिम करते हो, आप मसल बढ़ाना चाहते हो तो आप ये यूज करो। अगर आप जिम करते हो और आप मसल बढ़ाना चाहते हो, आपका लीन बॉडी है, पतला दुबला बॉडी है, तो आप ये करो क्योंकि इसमें मिठास है। और अगर आप वजन कम करना चाहते हो तो फिर आप जाओ इसके साथ, ऑल प्लांट प्रोटीन के साथ
आप इसको टोंड दूध के साथ लोगे, अगर आपको टोंड दूध नहीं मिलता तो फुल क्रीम दूध के साथ आधा दूध आधा पानी प्लस ये खाओ, अगर आप इसको खाते हो तो इसमें 3 रोटियों का एनर्जी है, तो आप लोगे तो आपको भूख नहीं लगेगी, तो आप एक टाइम का ब्रेकफास्ट या रात का खाना स्किप करो और इसको दूध के साथ लो और आपका देखो आपका वेट जो है वो मैनेज हो जाएगा। और इसकी सबसे अच्छी बात है आप इसको किसी भी चीज के साथ खा सकते हो, तो मतलब अगर आप जूस बनाओ तो ये टेस्टलेस है, इसमें कोई खट्टा या मीठा कोई स्वाद नहीं है, ये हर एक चीज के साथ मिल सकता है। अगर आप जूस बनाओ तो उसमें डाल सकते हो, अगर आप रूह अफ़ज़ा बनाओ गर्मी आ गई उसमें डाल सकते हो, अगर आप सब्जी बनाओ तो सब्जी में डाल सकते हो, अगर आप रोटी बनाओ तो रोटी के आटा में 2 चम्मच ये डाल के आटा को आप तैयार कर लो, रोटी बना लो, तो आपकी ये भी टेंशन दूर हो जाएगी कि कितनी कितना प्रोटीन देना है। अगर आदमी 2 रोटी खाता है तो उसको उसके हिसाब से प्रोटीन मिल जाएगा। अगर आप केक बनाते हो तो इसको डालो, केक भी बना सकते हो, मतलब इसको अगर आप उबालोगे तो इसकी क्वालिटी कम नहीं होगी, अगर आप इसको रोटी में बनाओगे तो क्वालिटी कम नहीं होगी, और इसमें कोई टेस्ट नहीं है तो मैगी में भी पड़ सकता है, छोले में भी पड़ सकता है, जिस चीज में चाहो उसको डालो, तो ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है। तो मैं चाहूंगा हर आदमी जो अपने आप को एक हेल्दी लाइफस्टाइल देना चाहता हो इसको जरूर ले। वुमेन्स में हेयर फॉल का प्रॉब्लम होता है प्रोटीन की कमी से, लोगों की हड्डियां जो है कमजोर होती है प्रोटीन की कमी से, हमको चोट लगता है तो जल्दी से चोट सही नहीं होता प्रोटीन की कमी से। भारत में 80% लोग प्रोटीन की कमी पाई गई है, तो ये जो प्रोडक्ट है आलप्रान प्रोटीन, ये मैं सबको रेकमेंड करूंगा, हाईली हाईली रेकमेंडेड प्रोडक्ट है कि आप इसको लीजिए, इसमें हाई बिजनेस वॉल्यूम भी है और आप अपने लोगों का हेल्प भी कर पाओ। उसके बाद हाई बिजनेस वॉल्यूम की हम बात करें तो ये हमारा मास्क है जिसमें 50% बिजनेस वॉल्यूम है, और ये नया मास्क आया है जिसमें लैनियार्ड भी है, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा, मैं पर्सनली इसको अभी यूज कर रहा हूँ। ये इस तरह से आता है, इसमें ये लैनियार्ड मिलता है फ्री में, 2 के पैक के साथ ये फ्री में मिलता है, आप इसको अलग भी कर सकते हो और इसको लगा भी सकते हो, ठीक है, इसको आप 50 टाइम वॉश भी कर सकते हो, और ये बहुत ही आरामदायक है, मतलब इसको लगाओगे तो ये ऐसे हो जाएगा, और जब आप इसको यूज नहीं कर रहे हो तो आप इसको यूज रख सकते हो। मास्क की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हम जब यूज नहीं करते तो उसको फोल्ड करके अपने पॉकेट में रखते हैं, फिर निकालते हैं तो मुड़ जाता है, बट ये जो मास्क है इसको आप यूं लैनियार्ड से लटका सकते हो, ठीक है। तो ये मास्क है, ये काफी कूल है, मतलब देखने में भी अच्छा स्टाइलिश है, और जो पुराना वाला मास्क था उसमें थोड़ा सा कान जो है वो स्ट्रेच होता था, जबकि इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये भी 50% बिजनेस वॉल्यूम के साथ है, ठीक है, ये 2 के पैक में आता है, और इसके साथ एक लैनियार्ड फ्री मिलता है, ये जो है इसको लैनियार्ड बोलते हैं, ये फ्री मिलता है, ये प्रोडक्ट है। उसके बाद हम लोग अभी सफर करते हैं, जैसे भारत में बहुत सारे कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, तो जब हम ट्रेवल करते हैं तो हमको सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, हम जिस ऑटो में बैठ रहे हैं क्या वो सैनिटाइज है, हम जिस ट्रेन में बैठ रहे हैं क्या वो सैनिटाइज है, हम जिस कार में बैठ रहे हैं क्या वो सैनिटाइज है। तो ये जो प्रोडक्ट है हमारा जर्मी बस्ट, ये इंस्टेंट सैनिटाइजर है, आप जहां पर भी बैठ रहे हो आप उसको इसको क्लीन कर सकते हो, आप अगर ऑटो में जा रहे हो तो आपको इसको ऐसे खोलना है और थोड़ी दूरी बनाकर इसको स्प्रे करना है, बस हो गया। उसके बाद उसके ऊपर कपड़ा भी मारने का जरूरत नहीं है, पूरे सरफेस को ये क्लीन कर देगा। इसमें खुशबू भी है, अच्छी खासी खुशबू, तो अगर आपके घर में कोई आता है बाहरी तो आप अपने फर्नीचर को इसको सैनिटाइज कर सकते हो, अगर आप कार में जाते हो किसी, अगर आप प्राइवेट टैक्सी ले रहे हो तो टैक्सी यूज कर रहे हैं पहले उसको सैनिटाइज करिए। जर्मी बस्ट बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, अच्छा खासा बिजनेस वॉल्यूम है। अगला जो प्रोडक्ट है वो है फ्रूवेज, फ्रूवेज भी अच्छा खासा बिजनेस वॉल्यूम वाला प्रोडक्ट है और काफी इंपॉर्टेंट है। आज के रेट में आप जो भी फल खाते हो, जो भी सब्जी खाते हो, वो कहाँ से आता है, उसके ऊपर वैक्स चढ़ाया जाता है, जैसे एप्पल है, एप्पल को चमकाने के लिए वैक्स चढ़ाते हैं, मूंग चढ़ाते हैं, कलर चढ़ाते हैं कि बहुत ज्यादा मीठा है, आपके टमाटर के ऊपर, बहुत सारे ऐसे फ्रूट हैं जिसके ऊपर वैक्स पेस्टिसाइड्स होते हैं, जब हम उसको खाते हैं तो बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो ये जो फ्रूवेज है ये 1 लीटर पानी में 10 ml ये ढक्कन डालना है और 3 मिनट के लिए अपनी वेजिटेबल्स को उसमें डालना है, फिर नॉर्मल पानी से वॉश करके उसके बाद खाना है, तो ये जो प्रॉब्लम है कोरोना की गंदगी की सारे फ्रूट एंड वेजिटेबल को ये क्लीन कर देता है। तो ये भी एक हाई बीबी प्रोडक्ट है हमारे पास। उसके बाद अगर हम जाते हैं कॉस्मेटिक्स में तो ये हमारा श्लोका का D10 फेस पैक है। जब हम सन में निकलते हैं, जैसे भी गर्मियां शुरू हो गई है, जब हम सूरज की रोशनी में निकलते हैं तो हमारे फेस पर टैनिंग हो जाती है, टैनिंग मतलब कालापन हो जाता है, सन बर्न हो जाता है। तो ये जो श्लोका का D10 फेस पैक है
ये उसके लिए काम आता है जो उनको टैनिंग हो जाती है, ये भी अगेन 60% का बिजनेस वॉल्यूम है। उसके बाद ये अपना नीम एंड वोटुकुला फेस वॉश है, चेहरे पर पिंपल है, चेहरे पर किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, आप धूल मिट्टी में बाहर जाते हो क्लान दिखाने, बहुत सारा डस्ट जमा हो जाता है, तो ये अपना श्लोका का सबसे ज्यादा बिकने वाला फेस वॉश है, बहुत ही बढ़िया है, पिंपल्स के लिए बहुत अच्छा है, इसको आप दिन में 2 से 3 बार यूज करिए, सारी पिंपल्स की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, ये नॉर्मल और ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छा है, ऑल टाइप स्किन के लिए नॉर्मल कोई भी यूज कर सकता है, मेल फीमेल ये जो प्रोडक्ट है ये बहुत ज्यादा सेफ होता है। उसके बाद बात करें बेबी प्रोडक्ट की, तो छोटे बच्चों का पूरा रेंज है मोदी केयर में, पैराफिन फ्री है, मार्केट में जो भी बिक रहा है ब्रांड हमको नहीं मालूम उसमें क्या क्या केमिकल है, बट मोदी केयर में सारे के सारे प्रोडक्ट जो है नॉन इरिटेंट, पैराफिन फ्री और डर्मेटोलॉजी टेस्टेड है। तो ये बेबी का जो है ये मॉइस्चराइजर लोशन है, छोटे बच्चों को जो हम लोशन लगाते हैं नहाने के बाद जो स्किन हमारी फट जाती है उसके लिए है। उसके बाद ये है नो टीयर शैम्पू, जब हम बच्चे को नहलाते हैं नॉर्मल शैम्पू से तो उसके आंखों में जब वो झाग जाता है तो बच्चा रोने लगता है आपका, तो ये जो शैम्पू है नो टीयर शैम्पू ये बहुत अच्छा शैम्पू है, बच्चे को आप नहलाओगे तो उसकी आंखों में भी अगर जाता है तो उसको आंसू नहीं आएंगे और रोएगा नहीं। सारे के सारे हमारे बेबी के प्रोडक्ट में 60% बिजनेस वॉल्यूम है, तो अगर आपको गोवा क्वालिफाई करना है तो बेबी प्रोडक्ट को फोकस करिए। ये 2-in-1 बबल बाथ है, छोटे बच्चे को नहलाने के लिए आप एक टब में इसकी को ड्रॉप डालिए, ऐसे ऐसे कर दीजिए, बहुत सारे बबल्स हो जाएंगे, गर्मी का मौसम आ गया बच्चे बहुत अच्छे से नहाएंगे, और बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये, इसको बोलते हैं 2-in-1 बबल बाथ, ठीक है, ये भी नो टीयर शैम्पू है। उसके बाद जो अपना काफी डिमांडेड प्रोडक्ट है वो है मोरक्कन आर्गन ऑयल क्लींजर, ये प्रोडक्ट आराम से 5 से 6 महीना निकलता है और मार्केट से भी सस्ता पड़ता है, इसमें एक तरह से फेस वॉश के आप जगह पे यूज कर सकते हो, इसमें छोटे छोटे आर्गन के बॉल्स भी हैं छोटे छोटे, और ये बहुत अच्छी पैकिंग में है, आप इसको थोड़ा सा लो अपना फेस क्लीन करो, बहुत अच्छा आपको फ्रेशनेस होगा, पिंपल्स क्लीनिंग के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और आराम से 5 से 6 महीना चलता है। तो अगर आप एक ऐसा प्रोडक्ट ढूंढ रहे हो जो आपकी जेब के लिए अच्छा हो तो बहुत ही सस्ता प्रोडक्ट है, आराम से 5 से 6 महीने चलता है, और आप इसको डेमो में भी दिखा सकते हो, डेमो अगर आप दिखाना हो तो आप इसका यूज कर सकते हो, और आपका पूरा फैमिली बड़ा फैमिली है तो ये बहुत किफायती है, बहुत कम पैसे में आपको ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है मोरक्कन आर्गन ऑयल क्लींजर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, तो ये अपना टूथब्रश है 4 के पैक में, और इसमें बिजनेस वॉल्यूम मेरे को याद नहीं है, मे बी 40% बिजनेस वॉल्यूम है। आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं ये जो टूथब्रश है ये काफी फ्लेक्सिबल है, इसमें 4 की पैकिंग में आता है इस तरह से, इसमें 4 होते हैं ऐसे, आप इसको पूरा ऐसे घुमा भी दोगे ना तो टूटेगा नहीं, इसका डेमो अवेलेबल है। तो ये अपना टूथब्रश है मोदी केयर का, अगर आपको नहीं पता तो ये टूथब्रश है। उसके बाद ये अपना सैनिटरी पैड है मोदी केयर का, ठीक है, इसमें भी अच्छा खासा बिजनेस वॉल्यूम है, 50% बिजनेस वॉल्यूम है, जो भी फीमेल्स को प्रॉब्लम होता है उन दिनों के लिए काफी अच्छा है, और इसमें एब्जॉर्प्शन जो पावर है वो मार्केट से बहुत अच्छा है, और इसकी सबसे अच्छी बात है इसकी एक्सपायरी जो है वो बहुत ज्यादा होती है, जैसे ये 2021 का बना है और 2023 में एक्सपायर होगा, तो आप इसको अपने डेमो मैजिक कॉर्नर में काफी सारा खरीद कर भी रख सकते हो, आराम से सेल होगा, एक्सपायरी इसका काफी होता है, और ये काफी अच्छा है, इसमें अलग से एक ये होता है जिसमें आप एक एक खोल के यूज कर सकते हो, तो ये हाइजीनिक भी ज्यादा है, मार्केट के जो पैड्स होते हैं आप एक बार खोलो तो सारे के सारे खुल जाते हैं, फिर उसमें चींटियां गंदगी लगने का टेंशन होता है, जबकि ये जो पैड है इसमें एक यहाँ से स्टिकर है, इसको निकालो, एक पैड निकालो वापस इसको चिपका दो, तो इसमें नमी नहीं घुसती, कीटाणु नहीं घुसते, गंदगी नहीं घुसती, तो ये अपना जो है फ्रीडम के नाम से आता है, और इसमें 7 लेयर प्रोटेक्शन है, मार्केट के किसी भी पैड में 7 लेयर प्रोटेक्शन आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद हमारे पास लोगा का अंडर आई क्रीम है, आंखों के नीचे आप देखते हो कई सारे लोगों को क्या होता है काले धब्बे हो जाते हैं, तो ये जो है श्लोका का अंडर आई क्रीम काफी इफेक्टिव है, मैंने अपने स्टेटस पे भी आज लगा के रखा था, ये भी आता है मोदी केयर में आंखों के नीचे जो ब्लैक हेड्स हो जाते हैं उसको रिमूव करने के लिए। उसके बाद ये अपना बहुत ही जाना माना प्रोडक्ट है मोदी केयर का स्पीक एंड स्पान, आपके बाथरूम में देखते होंगे जहां जहां पर पानी बहुत सारा बहुत बार पड़ता है, आपका सिंक हो गया या आपका टैप हो गया या फिर आपका शावर हो गया, उसके ऊपर व्हाइट से चीज इकट्ठा हो जाता है, तो ये जो स्पीक एंड स्पान है ये बेसिकली आपके बाथरूम के लिए, आपका तांबे का जो बर्तन है, तांबे का कुछ भी बर्तन है उसको क्लीन करने के लिए बहुत अच्छा है,
और ये कोई किसी भी तरह का गंदगी हो ना उसको छुटाने के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। आपका जो गैस का बर्नर होता है उसको क्लीन करने के लिए बहुत अच्छा है। तो बाथरूम के जितने भी विद्युत दाग होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। आपका जो टैप है वो बिल्कुल नया हो जाएगा। तो इसका नाम आप नोट कर सकते हो, इसका नाम है स्पिक एंड स्पान। अगेन इसमें भी 60% बिजनेस वॉल्यूम है। उसके बाद अपने पास है एचडी फ्लोर क्लीनर। आप देखते हो कि आप घर में गैस के सिलेंडर रखते हो तो उसके नीचे बहुत ही जिद्दी दाग जम जाते हैं, फिर आप उसको साफ करते हो साफ नहीं होते। तो ये वैसे दागों के लिए है जो आपको नॉर्मली से नहीं छूट पाता, तो ये हाई हैवी ड्यूटी फ्लोर क्लीनर है, ठीक है। तो अगर किसी घर में कोई ऐसा दाग है जो नॉर्मली नहीं छूट रहा है तो आप इसको यूज कर सकते हो। इसकी एक और चीज अच्छी है, इसकी कोई स्मेल नहीं है। जैसे कई लोगों को ना स्मेल से एलर्जी होती है, आप उसको अगर ये दोगे स्टेरिक्लीन तो बोलेंगे इसमें से ना खुशबू आता है और हमको खुशबू से एलर्जी है। अगर कोई ऐसा आदमी है जिसको खुशबू से एलर्जी है तो आप उसको दे दो, इसमें कोई भी खुशबू नहीं है, ये जो है ये फ्रेग्रेंस लेस है। तो ये बहुत अच्छी इसकी बात है। और ये हैवी ड्यूटी है तो अच्छे से आपका फ्लोर, जो आपका टाइल है, जो आपके मार्बल है, उनको बहुत अच्छे से चमकाता है। उसके बाद ये हमारा ऑटो वॉश है, टू व्हीलर फोर व्हीलर को क्लीन करने के लिए। ये कार का शैम्पू है, अगर आपके घर में कार है आप इससे धोइए, आपकी कार बिल्कुल चमक जाएगी। अगेन 60% बिजनेस वॉल्यूम है इसके अंदर। और ये अपना स्पार्कल है, ये स्पेशली ग्लास के लिए है, जो आपके कांच के जो भी है, जैसे बाथरूम में कांच है, मिरर है, आपके कार के अंदर है, तो ये जो स्पार्कल है ये जो है ये आपका एंटी फॉग टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। एंटी फॉग मतलब आप देखते हो कि सर्दी में जब आपके कार के शीशे बंद होते हैं तो भाप जम जाती है, आपके चश्मे के ऊपर जब आप मास्क लगाते हो तो भाप जम जाती है। अगर आप इससे क्लीन करोगे अपने कांच को तो आपके कांच बहुत अच्छे से साफ होंगे, वो चाहे टेलीविजन हो, वो चाहे एक्वेरियम हो, वो चाहे आपका चश्मा हो, किसी भी तरह का मोबाइल का आपका स्क्रीन हो। तो ये उसके लिए स्पार्कल है जो एंटी फॉग से है। इसका डेमो भी बहुत अच्छा है, जिसमें भाप के केतली के ऊपर कांच को उल्टा करके रखते हैं तो उसपे वेपोराइज हो जाता है, जब ये डाल के रखते हैं तो नहीं होता। उसके बाद ये हमारा है बॉश मेट 5-in-1 लिक्विड। इसमें है 60% बिजनेस वॉल्यूम। अपने पास दो कपड़े धोने के लिए डिटर्जेंट है। मैं जो है वो सर्फ को नहीं प्रेफर करता क्योंकि उसमें बीवी कम है, और अगर बीवी कम है तो मेरा गोवा कैसे होगा। गोवा करना है तो इसको प्रमोट करिए। इसमें है 60% बिजनेस वॉल्यूम, लिक्विड डिटर्जेंट है, कपड़ों को बहुत अच्छे से धोता है, और सबसे अच्छी बात ये एंटी बैक्टीरियल है। अभी कोरोना में हम लोग बाहर निकल रहे हैं तो हमारे जो कपड़े गंदे होते हैं हमको नहीं मालूम उसमें किस तरह के कीटाणु लगे, बट अगर हम इससे धोते हैं तो ये जो है ये अपना एंटी बैक्टीरियल है, तो हमारे कपड़ों से जो कीटाणु है उनको भी साफ करता है। और इसमें जो है इसमें ब्राइटनर्स पड़े, मतलब अगर आपके पास व्हाइट शर्ट है तो नील डालने की जरूरत नहीं है, ये व्हाइट कपड़ों को व्हाइट रखता है, इसमें ब्राइटनर्स पड़े हुए हैं, ठीक है। और कपड़ों को सॉफ्ट भी करता है, ठीक है, और कपड़ों को फटने से भी रुकता है। अगर आपके पास महंगी शर्ट है, 2000-3000 की शर्ट आप डालते हो तो अच्छी शर्ट है, अच्छे कपड़े हैं, तो वॉशमेंट 5-in-1 लिक्विड डिटर्जेंट है। जब आप इससे कपड़े धुलोगे तो जो पानी निकलेगा आपके वॉशिंग मशीन में, मशीन वॉश के लिए बेस्ट है, आप देखोगे वो पानी नॉर्मली अगर कम काला होता है तो ज्यादा काला निकलेगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट जो है ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। मैं 1.5-1 साल से यूज कर रहा हूँ जब से मोदी केयर से हूँ, और ये प्रोडक्ट मेरे जितने भी कसौटी पर खड़ा उतरता है। उसके बाद ये मोदी केयर का डज ऑल नाम से साबित होता है, डज ऑल जितनी भी तरह की प्रॉब्लम है गंदगी उसको साफ करता है। आपका बच्चे ने अगर दीवार कुछ पेन से लिख दिए या पेंसिल से, उसको साफ करेगा। आपके घर में कहीं पर भी कोई गंदगी, कपड़े पर कोई लिपस्टिक का दाग लग गया है, आप जूता पॉलिश करते हो, पैंट के ऊपर शू पॉलिश लग गया है, तो उसके लिए डजॉल है। कोकोनट डेरिवेटिव से बना है तो आपके हाथों को भी मुलायम रखता है, और ये प्रोडक्ट आपके घर पे होना चाहिए। नाम है डस ऑल, मोदी केयर का सबसे ज्यादा फेमस प्रोडक्ट है ये डस ऑल। उसके बाद ये है वॉशमेट डेलिकेट, ये स्पेशली ऊनी कपड़ों के लिए है। जो आपके घर में ऊनी कपड़े हैं, जैसे अभी सर्दियां बीती आप अपने कपड़े रखोगे तो वॉशमेट से क्लीन करके आप रखोगे तो आपके ऊनी कपड़े जो है वो हमेशा अच्छे रहेंगे। उसके बाद वेल के रेंज में अगर मैं आपको बताऊं तो ये नोनी टेबलेट है। नोनी हमारे हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है, और नोनी अकेले एक ऐसा प्रोडक्ट है जो 150 बीमारियों को सही करता है। आपके ब्लड प्रेशर कंट्रोल के लिए नोनी बहुत अच्छा है, और अब टैबलेट में भी अवेलेबल है, अगेन 60% बिजनेस वॉल्यूम के साथ। तो वेलनेस के प्रोडक्ट आप अच्छे से करिए। ये कार्डियो एक्टिव है, हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, किसी को हार्ट से जुड़ा हुआ कोई भी कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है तो वो यूज कर सकता है।
पुदीना विद तुलसी, अगर आपने खाना ज्यादा खा लिया है, डाइजेशन का प्रॉब्लम है, आपको कच्ची ढिगार आ रही है, या फिर आप शादी पार्टी में गए थे, तो इसको अपने बैग में रख के ले जाइए। इंस्टेंट अगर आपका पेट दर्द हो रहा है तो मार्केट में आता है डाबर का पुदीना हरा, उससे भी अच्छा है क्योंकि इसमें पुदीना तो है ही, साथ में इसमें तुलसी भी है, तो ये तुरंत पेट दर्द से आपका अच्छा करेगा। ये आपके घर में होना ही चाहिए, इसमें सॉल्ट जेल है जिसमें पुदीना और तुलसी दोनों चीज है। उसके बाद ये डिटॉक्स है, जैसे हमारी कार है, जब कार में कचरा जम जाता है कार्बोरेटर में, तो हम सर्विसिंग के पास ले जाते हैं। इसी तरह ये जो हमारी बॉडी है, हम जो भी खाते हैं जो भी पीते हैं, हमारे बॉडी में बहुत सारा गंदगी इकट्ठा होता है, तो ये जरूरी है साल में एटलीस्ट 3 से 4 महीने डिटॉक्स टैबलेट को यूज करिए। आपके बॉडी को इंटरनली ये क्लीन करेगा। अगर आप कोई भी सप्लीमेंट लेना स्टार्ट कर रहे हो, नोनी एलोवेरा कोई भी सप्लीमेंट आप ले रहे हो, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि पहले आप डिटॉक्स खाइए, अपने बॉडी को क्लीन करिए, उसके बाद फिर आप ये सारे प्रोडक्ट जितने भी सप्लीमेंट है उनको लेना शुरू करिए। रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा जब आप इसको शुरू में खाओगे, जब अभी तक आपने कभी नहीं खाया, जब इसको लाइफ में पहली बार खाओगे, तो जो आपका आउटपुट है, मतलब जब आप सुबह फ्रेश हो गए तो उसका कलर जो है थोड़ा ब्लैक ब्लैक होगा, तो डरने का जरूरत नहीं है। वो आपके बॉडी के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स हैं, जितने भी गंदगी है, कार्बन है, जितना भी है वो बाहर निकालेगा, तो बिल्कुल भी घबराने का जरूरत नहीं, दैट इज नॉर्मल। कई लोग परेशान हो जाते हैं, सर मैंने खाया मैं डर गया क्या हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है, वो आपका बॉडी को अंदर से क्लीन कर रहा है। उसके बाद ये कैल्शियम कॉम्प्लेक्स है, मार्केट का जो कैल्शियम होता है वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट का होता है, तो उसमें क्या होता है, जब आप उसको विनेगर में डालते हो तो बुलबुले निकलते हैं, जबकि ये जो है अपना, आप इसको विनेगर में डालोगे तो बुलबुले निकलेंगे। इसमें कैल्शियम सिट्रेट माइलेट है, जो दुनिया का सबसे ज्यादा नेचुरल फॉर्म है कैल्शियम का। अपने बॉडी को अच्छे से चलाने के लिए तकरीबन 150+ क्रियाएं होती है बॉडी को, जिसको सही से चलाने के लिए कैल्शियम जिम्मेदार होता है, और लेडीजों को कैल्शियम पुरुषों की अपेक्षा दुगना चाहिए होता है, तो लेडीजों के लिए कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन अगर आपकी एज 25 से ज्यादा है तो आपको कैल्शियम लेना शुरू करना है, कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे डेली हेल्थ के लिए। उसके बाद किसानों के लिए हमारे पास है एक्टिविटी, जो हमारी फसलों के लिए अच्छा है। जनरली मैं इसको अपने घर में बालकनी में कुछ प्लांट लगाए हैं, उनको अच्छा लगता है। अगर आप इसको लगाते हो तो आपके पौधों में जो जमीन, जो मिट्टी होती है उसमें नमी बना के रखता है, नमी बना के रखता है, तो क्या होता है आपको रोज रोज पानी देने की जरूरत नहीं होती, प्लस आपके जो प्लांट्स हैं वो जल्दी जल्दी बड़े होते हैं, और जो छोटे मोटे जंगली प्लांट्स उग जाते हैं वो भी नहीं उगते इसमें। तो बड़े सारे हमारे पास प्रोडक्ट हैं खेती के, इसको हम कभी डिटेल ट्रेनिंग में देखेंगे। उसके बाद ये हमारे शैम्पू हैं, ये 3 तरह के आते हैं, एक नॉर्मल आता है, एक डेंड्रफ का होता है, और एक हेयर फॉल का। तो ये जो ग्रीन कलर का है ये हेयर फॉल का शैम्पू है, अगेन 60% बिजनेस फॉलोइंग। गोवा करना है तो ये सारे प्रोडक्ट आप रेकमेंड करिए, जनरल पर्पस के हैं, हर घर में यूज होते हैं, तो ये जो प्रोडक्ट है ये हेयर फॉल का है, इसके अलावा हमारे पास डेंड्रफ का भी है, इसके अलावा हमारे पास नॉर्मल भी है। तो डेंड्रफ और हेयर फॉल आप अपने मैजिक कॉर्नर में रखिए, मैंने 4 रखे थे, 2 सेल हो गए, 2 और बचे मेरे मैजिक कॉर्नर में, ठीक है। उसके बाद गर्मियां आ गई है, तो ये अपने पास ठंडा ठंडा कूल कूल तेल भी आ गया मोदी केयर में, पहले नहीं था अभी अभी आ गया, तो आप इसको यूज कर सकते हैं, बट इसमें 60% बिजनेस वॉल्यूम नहीं है। उसके बाद ये छोटे बच्चों का नहाने का साबुन है, अगेन 60% बिजनेस वॉल्यूम है। छोटे बच्चों का जो साबुन है, छोटे बच्चों के प्रोडक्ट हर आदमी अच्छे क्वालिटी का लेना पसंद करता है, तो दिस इज ऑसम प्रोडक्ट छोटे बच्चों का है। और ये जो साबुन है ये गल जाएगा तो टूटेगा नहीं, पपड़ी भी बन जाएगा मगर टूटेगा नहीं, बहुत चलता है, गलता कम है। उसके बाद हमारे पास पाउचेस भी अवेलेबल हैं, ठीक है। अगर किसी को पाउच चाहिए शैम्पू का, तो डेंट्रफ केयर वाले शैम्पू हैं, ठीक है, तो आप ये पाउच भी दे सकते हो। जनरली मैं इसको सैंपल में देता हूँ किसी को ट्राई करने के लिए कि ये ले लो आप। उसके बाद प्रोडक्ट तो बहुत सारे हैं, बट मैं आपको वही बता रहा हूँ जिसमें हाई बिजनेस वॉल्यूम है। जैसे फुट केयर क्रीम है, आप देखते हो जो लेडीजे या जो भी आदमी पानी में ज्यादा काम करता है और थोड़ा सा धूल मिट्टी, उसकी एडी फट जाती है, और एडी फट जाती है तो बड़ी शर्म आती है, बट ये जो मोदी केयर का क्रीम है ये 7 to 8 days में आपका जो एडी फट गया है, जो आपके पैरों का एडी फट गया उसको सही कर, ठीक है। तो ये जो है इंटेंसिव फुट केयर क्रीम है, ये पैरों के लिए है, बहुत चलता है अपना। उसके बाद ये अपना प्री वॉश है, अगर आपके कॉलर में या आपके शर्ट में पेन का दाग लग गया है, छूट नहीं रहा, परेशान हो, तो ये प्री वॉश है। इसको थोड़ा सा लेकर जहां पर भी दाग लगा हो आप उस पे इसको ऐसे ऐसे करिए, ब्लड का दाग हो, पेन का दाग हो, हर तरह का दाग ही छुटा देता है।
प्री वॉश के नाम से आता है और ये आपके घर पे होने चाहिए, क्योंकि जब दाग लगता है तो तुरंत साफ करना चाहिए। तो इसको कैसे करना है यूज, अपने कपड़े पर जहां पर भी दाग लगाओ थोड़ा सा प्री वॉश लेकर लगाना है और उसको 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए छोड़ना है, 2 मिनट के लिए। उसके बाद उसको नॉर्मल पानी साफ करिए, बिल्कुल दाग आप पे छूट जाएंगे। नाम नोट करिए, वॉशमेट प्री वॉश। उसके बाद हाई बिजनेस वॉल्यूम की बात करें तो हमारा व्हाइट पर्ल सोप है, सबको मालूम है, सबसे ज्यादा बिकता है, 3-in-1 सोप है, 50% बिजनेस वॉल्यूम, कोई बुरा नहीं, 50% से भी आराम से गोवा हो सकता है। तो अगर मैं बात करूं जनरल पर्पस में, साबुन, शैम्पू, वॉशमेट, 5-in-1, ये सबसे आराम से गोवा आपका हो सकता है। इनवायरो चिप, स्पार्कल, ये सब में 60-50% बिजनेस वॉल्यूम है। प्रोटीन पाउडर, उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं 60% बिजनेस वॉल्यूम अपने डिओडेंट में भी है, ये अपना डीओ आता है, जनरली 4 फ्रेग्रेंस में है, मार्केट से अच्छा है। क्यों? क्योंकि मार्केट वाले में अल्कोहल की बहुत भारी मात्रा होती है, इसका डेमो भी अवेलेबल है, बट इसमें अल्कोहल की बहुत कम मात्रा है और ये वाटर बेस्ड है, डिओडेंट है, वाटर बेस्ड है, तो आपकी स्किन को भी नुकसान नहीं पहुंचाता। ये 4 तरह के फ्रेग्रेंस में आता है, ये मेल का है, अगर मैं फीमेल की बात बताऊं तो फीमेल का इस तरह का आता है। तो ये 4 फ्रेग्रेंस में है, ये ओशियन ब्लू है मेरा फेवरेट, और ये लेडीज का है, ये 2 तरह से आता है इंडर, तो इसमें भी 60% बिजनेस वॉल्यूम है। तो अभी गर्मी आ गई ना, अपने बैग में, अपने बैग में आप लेकर चलो, इसको बड़े आराम से सेल होता है। पता है क्यों? क्योंकि मार्केट में इस क्वालिटी का 240-250 का आता है और इसका जो डीपी वैल्यू है वो है 162 रुपीज, तो ये बहुत आराम से सेल हो सकता है गोवा में, आपको बहुत हेल्प करेगा। तो अभी प्लान दिखाओ, बहुत अच्छी बात है, अगर प्लान नहीं दिखाने के और प्रोडक्ट दिखाओ गोवा हो जाएगा आपका। प्रोडक्ट की नॉलेज मैं इसीलिए आपको दे रहा हूँ आज इतनी रात में, क्योंकि कल है संडे, और अगर आप प्रोडक्ट भी आप बता पाओ ना तो आपका गोवा बहुत आराम से हो जाएगा। केवल प्रोटीन पाउडर में 40 PV है, इसमें 60% बिजनेस वॉल्यूम है, तो ये सब प्रोडक्ट की नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है आज, क्योंकि कल है संडे और कल सारा एक्शन होने वाला है। और अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो प्रोडक्ट है ये फेयरनेस जेल है, जो अभी इसमें SPF भी है, तो अगर आप धूप में निकल रहे हो तो ये प्रोडक्ट काफी अच्छा है धूप के लिए। और ये छोटा वाला भी डीओ आ गया अपने पास, पॉकेट डीओ, जिसमें 250 स्प्रेज हैं, इस तरह से खुल जाएगा, 250 बार आप इसको यूज कर सकते हो बैग में, आराम से पॉकेट में आ जाता है, देखो कितना छोटा है। इसके बाद बात करें तो ये अपनी मैन की शेविंग क्रीम है, हम लोग शेविंग क्रीम यूज करते हैं। और उसके बाद ये अपना फ्रूट ऑफ द अर्थ का नीम एंड रोजमरी सेंसिटिव एंड एक्ने प्रोन स्किन। अगर आपके चेहरे पर पिंपल्स हैं, आप किसी को जाते हो जिसने बहुत सारा कुछ ट्राई किया है पिंपल्स नहीं सही हो रहे हैं, तो ये जो प्रोडक्ट है ये पिंपल्स को बहुत जल्दी सही करता है, ठीक है। तो ये पिंपल्स के लिए है। उसके बाद ये ब्राह्मी है, इसमें भी 60% बिजनेस वॉल्यूम है। ब्राह्मी दिमाग की क्षमता बढ़ाता है, मेमोरी स्ट्रेस, मेमोरी को भी बढ़ाता है, स्ट्रेस को भी कम करता है, ब्रेन हेल्थ के लिए ब्राह्मी बहुत अच्छा है। रेड कोरियन जिंसिंग है, ताकत के लिए है, अगर आप थक जाते हो उसके लिए है, शुगर में भी काम करता है। मेरे टीम में एक सुमन जी हैं, उनका शुगर लेवल कंट्रोल कर लिया इसने। उसके बाद ये टर्मरिक है, अगर आपको चोट लगती है सही नहीं होती, अगर आप हार्ट की हेल्थ सही रखना चाहते हो, अगर आपको बहुत बॉडी में दर्द होता है, हड्डियों में दर्द होता है, जो टर्मरिक है वो सालों से यूज होता है दर्द को कम करने के लिए, तो ये मोदी केयर में नया टर्मरिक लॉन्च हुआ है, अगेन 60% बिजनेस वॉल्यूम। ये तुलसी लॉन्च हुआ है, वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट टू अचीव गोवा, क्यों? क्योंकि इसमें बिजनेस वॉल्यूम बहुत धांसू है और अभी कोरोना में सबसे ज्यादा सेल हो रहा है, क्योंकि ये सांस से जुड़ी हुई हर बीमारी को सही करता है। इसकी एक टेबलेट में 150 दुनिया के सबसे अच्छे तुलसी की पत्तियों का गुण है, कोरोना में ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा सेल हो रहा है और ये आपको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि सांस से जुड़ी सारी तकलीफों को बढ़ाने के लिए नंबर वन है, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए नंबर वन है, इससे अच्छा प्रोडक्ट इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए पूरे दुनिया में नहीं है। तो वन ऑफ द बेस्ट तुलसी टैबलेट मोदी केयर। उसके बाद ये अश्वगंधा है, हार्ट के लिए अच्छा है, ताकत के लिए बहुत अच्छा है और ब्रेन के लिए भी बहुत अच्छा है अश्वगंधा, स्ट्रेस लेवल को भी कम करता है, अगेन 60% बिजनेस वॉल्यूम। ये मैंने बता दिया। उसके बाद ये फेयरनेस क्रीम है, रोज एंड हनी, कई लोगों को होने के लिए बहुत अच्छा है, तो आपके
फेयरनेस को बढ़ाने के लिए क्रीम है मोदी केयर का, श्लोका का फेयरनेस क्रीम, नहाने के बाद आप इसको फेस पे लगाइए और फेयरनेस के लिए बहुत अच्छा है और आयुर्वेदिक है। इसमें रोज एंड हनी से बनाया हुआ है, इसमें इंग्रेडिएंट जो है वो ये है। उसके बाद ये अपना है मूरमट फेशियल बार, इसमें भी 50+ बिजनेस वॉल्यूम है 50%। अगर आप बाहर जाते हो धूल मिट्टी चेहरे पर लगता है तो इसमें 4 साबुन है, अगर आप इससे अपना चेहरा साफ करोगे तो बहुत ही अच्छे से चेहरे को क्लीन करेगा, प्लस आपका जो चेहरे पर रिंकल्स होते हैं उनको भी सही करेगा और चेहरे को आपको एकदम दमकता हुआ चेहरे के लिए बहुत अच्छा है। गिफ्ट पैक में आता है, आप इसको गिफ्ट भी कर सकते हो किसी को। उसके बाद अपने सैनिटाइजर्स हैं, ये लो बिजनेस वॉल्यूम वाले हैं और 50% बिजनेस वॉल्यूम भी अच्छा है, कम नहीं है। तो अपना फ्रेश मूवमेंट टूथपेस्ट है, मार्केट में एक टूथपेस्ट आता है सेंसोडाइन, सेम क्वांटिटी 130 रुपए 150 रुपए। ये जो अपना टूथपेस्ट है ये सेम क्वांटिटी MRP 75 रुपए और हमको मिलता है 62 रुपीज में। 7 से 10 दिन के अंदर ठंडा गर्म दांतों का सही कर देता है फ्रेश मूवमेंट ये वाला टूथपेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट सेलर प्रोडक्ट मोदी केयर। हमारे पास कॉफी भी है बट इसमें हाई बिजनेस वॉल्यूम नहीं है, 30% बिजनेस वॉल्यूम है, बट जरूरत का चीज है तो आप इसको भी दिखा सकते हो लोगों को। हमारे पास प्योर हनी है, मार्केट से हनी आते हैं मिलावटी, जिसमें आप उसको रख दो तो उसमें नीचे नीचे एक पत्थर टाइप का जम जाता है, बट आप इसको 10 साल भी रखोगे तो पत्थर टाइप का नहीं जमेगा। मार्केट में ओरिजिनल हनी मिलना बहुत मुश्किल है, ठीक है, बट ये जो है ये प्योर हनी है, बहुत अच्छा हनी है, आधे आधे किलो के पैक में आता है मोदी केयर का। स्क्वीज आराम से कर सकते हो, ब्रेड पे रोटी पे लगाना है ऐसे दबाकर, आप बहुत आराम से इसको निकाल सकते हो। उसके बाद ये अपना किनवा है मोदी केयर का, अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो तो आप इसको चावल के जगह पर लगा सकते हो। प्रोटीन, फाइबर, विटामिन, ये हर चीज से भरपूर है, विटामिन बी, अमीनो एसिड्स, एंटीऑक्सीडेंट, ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है। अगर आप रोज रोज एक ही चीज खा के पक गए हो तो ट्राई किनवा, 3 से 4 पैकेट हर महीने कंजप्शन है मेरे घर पे और बहुत अच्छा खाना है। अगर आपको वाकई में ब्रेकफास्ट हेल्दी चाहिए तो इससे अच्छा ब्रेकफास्ट नहीं है। और अच्छी बात यह है इसमें बिजनेस वॉल्यूम अच्छा है, खाने पीने के कैटेगरी में सबसे ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम किनवा में है। इसके बारे में आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप गूगल कर सकते हो। उसके बाद सारे लो बिजनेस वॉल्यूम वाले प्रोडक्ट्स हैं। हाँ, एक और अच्छा प्रोडक्ट है जो मैं दिखाता हूँ आपको, वो है हमारा बियॉन्ड लू। मार्केट में जितने भी टॉयलेट क्लीनर हैं, सबसे अच्छा टॉयलेट क्लीनर है फ्रेंड्स। मार्केट के जो टॉयलेट क्लीनर होते हैं आपको 15 से 20 मिनट उसको लगा के छोड़ना पड़ता है, बट दोस्तों ये जो है बियॉन्ड लू 90 सेकेंड्स का पावरफुल क्लीनर है। क्वालिटी भी अच्छी है क्योंकि क्लीन ज्यादा अच्छा करता है, प्लस ये 90 सेकेंड्स के अंदर कलर चेंज करता है। जब आप इसको लगाओगे, ठीक है, तो ये पहले ग्रीन होता है, ये 90 सेकेंड के बाद इसका कलर चेंज होकर ग्रीन हो जाता है या ब्लू हो जाता है, तो आप क्लीन कर लो। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत ही किफायती है, बहुत ही पावरफुल है और आपकी जो फिटिंग्स होती हैं, जो पाइप लगती है आपके टॉयलेट वगैरह में, वो पाइप से लीकेज का प्रॉब्लम होता है मार्केट वाले से, तो ये जो है इसमें बदबू भी नहीं आती, मार्केट वाले में बदबू भी आती है, तो ये बहुत अच्छा है, इसको आप जरूर ट्राई करिए, मोदी केयर का बियॉन्ड ब्लू टॉयलेट क्लीनर। उसके बाद अपना कैंडीज भी है मोदी केयर में, छोटे बच्चों के लिए कैंडीज भी आती हैं। अपना लॉलीपॉप है 60% बिजनेस वॉल्यूम के साथ, सैलून का नॉन स्टिकी हेयर ऑयल है, बहुत ही बढ़िया तेल है, आप इसको बाल में लगाओगे तो आपके बाल जो है वो चिपकेंगे नहीं, बिल्कुल अच्छे रहेंगे, सॉफ्ट रहेंगे, आलमंड ऑयल से बना हुआ है। उसके बाद 60% बिजनेस वॉल्यूम है हमारे हैंड वॉश में, जो 3-in-1 आपका आता है, ऑलिव ऑयल डेरिवेटिव है, तो आप इससे 100 बार भी हाथ को धुलोगे तो हाथ में आपके कठोरपन नहीं आएगा। मार्केट को जो आते हैं आप उससे हाथ धुलो तो हाथ जो है वो सूखे सूखे से हो जाते हैं, बट ये जो है आप इससे नहा भी सकते हो और आप इससे हाथ भी धो सकते हो, तो मार्केट जो है उससे आप नहा नहीं सकते, और ये बहुत ही गाढ़ा फॉर्मूला होता है तो ये चलता बहुत ज्यादा है, आराम से आप एक ड्रॉप में नहा भी सकते हो बहुत आराम से। फ्रूट ऑफ द अर्थ का हेयर फॉल हर्बल शैम्पू, शेविंग क्रीम मैंने आपको बता दिया, ये भी शेविंग क्रीम है,
ये अपना हैंड एंड बॉडी लोशन है, आपको जो ठंडी में हम लोग को प्रॉब्लम होती है स्किन की उसके लिए है। उसके बाद मोदी केयर में पास्ता आता है, जो मार्केट का पास्ता है आता है वो मैदे का बना होता है, ये जो है डूड्रम वीट का है, मतलब ये गेहूं का है। आप इसको बनाओगे तो बच्चों को भी बहुत अच्छा लगेगा, बिजनेस वॉल्यूम भी ठीक ठाक है 40% के आसपास, और ये बहुत ज्यादा होता है जब आप इसको बनाओगे तो फैल के बहुत ज्यादा होता है, और ये वीट का है तो हेल्थ का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से आप हेल्दी स्नैक्स दे सकते हो अपने बच्चों को मोदी केयर का पास्ता। ये एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है जिसको हम बोलते हैं माइटी इन वन मल्टीपर्पज क्लीनर। ये जो प्रोडक्ट है दोस्तों, ये आपके घर में कोई भी ऑयल बेस्ड का कोई दाग होना, जैसे मान लो आपका चिमनी है, जो किचन में चिमनी होता है उसके ऊपर ऑयल जम जाता है, ऑयल जम जाता है तो क्या होता है बहुत सारा मुश्किल आता है उसको क्लीन करने के लिए, तो ये जो है इसकी कुछ स्प्रे आप डालिए उसके ऊपर और उसको साफ करिए, कोई भी ऑयली आपका दाग होगा ना तो बहुत आसानी से इसको सही कर देगा। और मोबाइल का दाग, कंप्यूटर का स्क्रीन, टीवी, हर तरह के दाग को ये सही कर सकता है। और भी आपको दिखाता हूँ कुछ प्रोडक्ट्स। तो दोस्तों ये अपना स्टेरी क्लीन है, बीकेसी इसमें होती 12 point something something, जितने भी आपके फ्लोर क्लीनर हैं वो सारे कीटाणुओं को मारते हैं कि नहीं मारते, बट ये डेफिनेटली कीटाणुओं को मारता है, आपके घर को क्लीन रखता है, और आपके घर में अगर छोटी चींटियां हैं, कॉकरोच हैं, छिपकली आती हैं तो उसको भी ये नहीं आने देता। प्लस ये आप जब इसको लगाते हो तो सरफेस के 4 feet ऊपर तक काम करता है ये, तो ये जो है ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। गवर्नमेंट ने इसको रेलवे में भी चलाया क्योंकि ये कोरोना में बहुत इफेक्टिव है, आपके घर को साफ करने के लिए, पोछा लगाने के लिए बहुत अच्छा है, और ये हाईली कंसंट्रेटेड है। 250 ml के बोतल से 250 liter आप सॉल्यूशन बना के अपने घर को क्लीन कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों वंडर ड्रॉप है मार्केट का, आप जो प्रोडक्ट यूज करते हो बर्तन धुलने के लिए, जब आप उससे बर्तन धुलते हो तो उसमें सोडा की भारी मात्रा होती है, जिससे आपके बर्तन जब सूखते हैं तो उस पर व्हाइट लेयर जम जाती है, व्हाइट लेयर जमती है, जब आप उससे खाना खाते हो तो पेट में बहुत सारा सोडा जाता है जिससे बीमारियां हो सकती हैं। बट ये जो प्रोडक्ट है ये बायोसेफ टेक्नोलॉजी पर है, और ये जो है इसके 1 liter सॉल्यूशन से आप 10,000 बर्तन धुल सकते हो, हाईली हाईली कंसंट्रेटेड है, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है बर्तन धुलने के लिए, और 60% बिजनेस वॉल्यूम है, तो इसको भी आप प्रमोट कर सकते हैं। अगेन अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं हाई बीवी प्रोडक्ट में, तो हमारे पास मास्क सीट है, चेहरे पर आप लगाते हो तो एंटी एजिंग है, आपके चेहरे को अच्छे से ये क्लीन करता है, मॉइस्चराइज करता है, ठीक है, तो ये फेस अभी शादियों का सीजन जैसे आएगा तो उसके लिए ये बहुत अच्छा है, चेहरे पर लगाने के लिए मास्क है, मेड इन कोरिया। ये अपना लो बीवी वाले प्रोडक्ट्स हैं, बट मैं आपको बता देता हूँ, एंटी कैविटी टूथपेस्ट है, 40 rupees का टूथपेस्ट मार्केट में, डायरेक्ट सेलिंग में तो किसी का पास भी नहीं है, ओनली इन मोदी केयर। क्या हो गया, मेरा वीडियो रुक गया क्या? यस सर। क्या हो गया मेरे कैमरे को, अचानक से रुक गया कैसे? अभी चल रहा है। यस। आयुर्वेदिक भी मैंने आपको बता दिया फ्रेंड्स। उसके बाद अभी सारे हाई बीवी प्रोडक्ट कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों, जो आपको गोवा में हेल्प करेंगे। अब मैं कुछ लो बीवी प्रोडक्ट बता रहा हूँ, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, कि आपको पता होना चाहिए उस प्रोडक्ट की खासियत। तो ये जो हमारा प्रोडक्ट है दोस्तों, ये मोदी केयर का कच्ची घनी का तेल है, जो कोल्ड प्रेस टेक्नोलॉजी से बना है। मार्केट के जो कच्ची घनी के तेल होते हैं वो कोल्ड प्रेस नहीं होते, वो मशीन से जब बनाते हैं तो उसमें काफी जो टेम्परेचर होता है ज्यादा होने से उनका जो क्वालिटी है वो कम हो जाता है। बट ये जो अपना प्रोडक्ट है ये कोल्ड प्रेस से है, पुराने जमाने में कोलू के बैल से तेल निकालते थे, ये उस टेक्नोलॉजी पर बना है, तो इसका क्वालिटी मार्केट से बहुत अच्छा है, केमिकल फ्री है, विटामिन ए एंड डी है, रिच अरोमा है। अगर आप मार्केट के तेल से सब्जी बनाते हो अगर वो 6 घंटे चलेगी तो इससे 12 घंटे चलेगी, क्योंकि इसमें जो चीज मिलाई गई है उससे आपके सब्जी का जो लाइफ है वो बढ़ जाता है। तो ये जो है मस्टर्ड ऑयल, इससे आपका लाइफ बढ़ जाता है, अगर आप अचार बना रहे हो, सब्जी बना रहे हो तो काफी देर तक वो फ्रेश रहता है, खराब नहीं होता। उसके बाद ये अपना हेयर फॉल शैम्पू है, सैचे में, ये इस तरह के पैक में आता है,
उसके बाद अगर आप चाहते हो कि आपका लीवर अच्छा रहे, पेट अच्छा रहे, तो ये अपना राइस ब्रैन ऑयल है जो कि हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और अभी रिफाइंड ऑयल जो है उसको लोग ना यूज करके राइस ब्रैन ऑयल कर रहे, जो चावल के पोरों से निकाल के बनाया जाता है। तो ये राइस ब्रैन ऑयल बैड कोलेस्ट्रॉल को गुड कोलेस्ट्रॉल में भी कन्वर्ट करता है। तो अगर आपको हेल्थ का इश्यू है, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, तो गो विथ मोदी केयर राइस ब्रैन ऑयल। अगर आपका कोई कोई बड़ा ट्यूशन सेंटर है या कोचिंग सेंटर है, तो ये बड़े साइज का ये है मॉइस्चराइजर, ये सैनिटाइजर है, आप इसको ले सकते हैं। अगर कोई बड़ा ट्यूशन सेंटर है, होटल है, वहां पर आपको देना है, तो काफी बड़े साइज में अवेलेबल है, छोटे साइज में भी है। उसके बाद कम बिजनेस वॉल्यूम में अपने पास मसाले भी हैं, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, और अगर जूस की बात करें तो हमारे पास आंवला जूस, एलोवेरा जूस, नोनी जूस, जूस के भी फॉर्म में है। बट जूस में 40% बिजनेस वॉल्यूम है और टेबलेट्स में 60% बिजनेस वॉल्यूम है। जूस लेने में थोड़ा तकलीफ है क्योंकि उसको बोतल के साथ, ये ग्लास के साथ मिला के लेना पड़ेगा और ये करना पड़ेगा। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ सीक्रेट कि किस तरह से मैं गोवा कर रहा हूँ, हो सकता है आपके लिए भी वो हेल्प करे। तो मैं किसी के यहाँ भी जाता हूँ तो थोड़ा सा मेहनत का काम है, ये डेमो किट लेकर जाता हूँ। इसके अंदर सब कुछ है, मेरा डेमो का ए टू जेड सारा चीज है। इसमें एटलीस्ट 5 to 7 प्रोडक्ट का डेमो होता है। तो मैं सबसे पहले डेमो दिखाता हूँ, उसके बाद ये मेरा बैग है जिसके अंदर सारे प्रोडक्ट हैं, ये मैं लेकर जाता हूँ। ठीक है, इसमें ग्रीन टी भी है, ग्रीन टी मैंने नहीं बताया था, ग्रीन टी भी है। उसके बाद ये विनेगर है डेमो के लिए। ठीक है, आज मैंने कैल्शियम फेल किया है केवल इसका डेमो दिखाकर। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये दो बैग लेकर लोगों से मिलने आता हूँ, डेमो दिखाता हूँ, प्लान वन कुछ नहीं बताता। ये देखो, ये मास्क है, केवल ये बैग लेकर आप मिलोगे ना दिन में 3 से 4 लोगों से, आराम से गोवा हो जाएगा, बड़े आराम से गोवा हो जाएगा, डायरेक्टर सीनियर डायरेक्टर सब हो जाएगा। बट लोग आलसी हैं, लोग मिलते नहीं है। मैं बताता हूँ, केवल डेमो किट रखो, ये बैग रखो, आराम से आपका गोवा होगा। ये देखो, ये देखो, ये देखो। तो ये बैग लेकर जाना है आपको, और एक डेमो किट लेकर जाना है, और अपने अपने दिमाग से शर्म निकालनी है। दोस्तों, अगर मैं अपनी बात करूं तो 12 साल का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस, सैलरी की बात करूं तो अराउंड 1 लाख पर मंथ 12 साल का एक्सपीरियंस, एक रिपोर्टेड मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हूं, बट मेरे को शर्म नहीं आती। मेरे को शर्म इसलिए नहीं आती कि मैं जो काम कर रहा हूं वो मेरे देश को आगे बढ़ा रहा है, मैं जो काम कर रहा हूं वो मेरी गरीबी को हटा रहा है, मैं जो काम कर रहा हूं बहुत सारे लोगों को मैं एक मौका दे रहा हूं रोजगार का। तो जो अपने दिमाग से किए होता है ना कि यार तेल साबुन बेचने का काम है, इसको आपको दिमाग से निकालना पड़ेगा। और दोस्तों, अगर तेल साबुन बेच के महीने का 1.25 करोड़ आता है तो ठीक है, तेल साबुन बेचने में कोई दिक्कत नहीं है। जब अक्षय कुमार टॉयलेट क्लीनर बेच सकता है तो हमको क्या दिक्कत है, अक्षय कुमार के पास तो करोड़ों रुपए है ना। तो दोस्तों, ये सेशन था आज का मेरे तरफ से आप लोगों के लिए, आई होप आपको बहुत हेल्प करेगा। लास्ट में कुछ क्वेश्चन एंड आंसर ले लेते हैं, अभी अपने पास 5 मिनट का टाइम है। गोवा से रिलेटेड प्लस जो अभी मैंने सेशन बताया, इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत ही थैंक यू सर। हेलो, मेरा आवाज आ रही है सर? यस यस, यू वेलकम विनोद सर, आपका बहुत बहुत वेलकम। ब्रिज सर, मेरा साउंड आ रहा है? आ रहा है, आ रहा है। थैंक यू सर, इतना अच्छा सेशन रखा और सारे हाई बीवी प्रोडक्ट्स के ऊपर बात किया। और मैं आपसे एक चीज बोलना चाहूंगा सर, जो क्वेश्चन एंड आंसर है इसको थोड़ा सा आप लेंथी कर दीजिए, ताकि जो भी गोवा क्वालिफाई करना चाहता है या क्वालिफाई कर चुका है फर्स्ट मंथ, सो हम लोग एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं या एक्सपीरियंस ले सकते हैं। सो जितने भी लोग आज अभी मीटिंग को ज्वाइन किया, अभी भी मीटिंग में है, तो आप एक एक करके अपना सवाल कर सकते हैं। सो इसके लिए सर सबको अनम्यूट कर दीजिए सर। थैंक यू सर। हाँ, अभी अभी सब लोग अनम्यूट है, आप पूछ सकते हैं जो भी पूछना है रिगार्डिंग प्रोडक्ट, रिगार्डिंग गोवा ट्रिप, कुछ भी पूछ सकते हो आप, जो भी आप पूछना चाहते हो। और ये जो सेशन था आज का, मैं इसको यूट्यूब पे डाल दूंगा, सो दैट आपके टीम का अगर कोई मिस हो गया हो तो आप उसको लिंक सेंड करके दोबारा से भी इसको करवा सकते हो, देख सकते हो।
जरूर। तो दोस्तों कल कल तो, संडे का दिन माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप सबसे एक चीज बोलना चाहूंगा। यस यस सर, बोलिए बोलिए, आप बोलिए बोलिए सर, रिपीट कीजिए। नहीं नहीं, मैं ये बोल रहा था कि कल जो है, तो मैं आप सबसे एक चीज बोलना चाहूंगा। जब बोलिए बोलिए, आप ही बोलिए, फिर मैं बोलूंगा लास्ट में, आप बोलिए। यस सर, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, देखिए जब तक आप बात नहीं करेंगे या आप कोई भी क्वेश्चंस का आंसर नहीं, सवाल का जवाब नहीं दागेंगे, या आप किसी चीज को अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है उसके ऊपर अगर बात नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपका एक्सपीरियंस इतना नहीं आएगा। सो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर किसी भी तरह का सवाल है कि सर मुझे गोवा कैसे क्वालिफाई करना है, सर कौन सा प्रोडक्ट्स में मैं काम करूँ, तो मैं आप सबसे बोलना चाहूंगा, सर से आप सवाल कर सकते हैं कोई भी, ताकि आपका गोवा क्वालिफाई हो जाए। तो हम सब चाहते हैं कि आप सब मिलके, हम सब मिलके गोवा जाए। थैंक यू। यस यस, तो दोस्तों कल संडे का दिन है, कल का जो दिन है नेटवर्क मार्केटिंग में एमएलएम में सबसे इम्पोर्टेंट दिन माना जाता है, क्योंकि संडे के दिन हर एक आदमी अपने घर पे होता है। तो कल मैक्सिमम से मैक्सिमम आप लोग होम मीटिंग करिए, होम मीटिंग से बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। लोगों से मिलिए, प्रोडक्ट शेयर करिए, प्लान बताइए ना बताइए, डेमो प्लस प्रोडक्ट शेयर करिए, आराम से गोवा हो जाएगा आपका, जो मैंने आपको आज तरीका बताया। बाकी किसी को कोई सवाल है तो प्लीज पूछ सकते हैं। आई थिंक किसी का सवाल नहीं है सर, सारे लोगों को क्लियर हो चुका। ओके, तो इसका मतलब सबका गोवा हो जाएगा। तो फ्रेंड का गोवा हो जाएगा एंड 100% क्वालिफाइड सर। यस दोस्तों, मैं आपको बहुत सारा गुड विशेष देना चाहूंगा, और स्पेशली दीमापुर टीम को, अंकित सर की टीम को, जितने भी टीम है सबको मैं गुड विशेष देना चाहूंगा, और ये बोलना चाहूंगा कि अभी, हाँ सुमन सर बताइए क्या सवाल है। सुमन सर आप माइक ऑन कर सकते हो मेरे ख्याल से। हेलो, यस यस पूछिए। अच्छा हाँ बोलिए सर, सुन रहे। हेलो, हाँ हाँ बोलिए। अच्छा बोलिए सर। हाँ, फर्स्ट मंथ एक आदमी क्वालिफाई हो गया, ठीक है भाई। नेक्स्ट मंथ अगर मान लीजिए तीन आदमी क्वालिफाई हो, तो ये वो क्या क्वालिफाइड है क्या नहीं? मैं आपका सवाल नहीं समझ पाया। अच्छा मतलब, हाँ बोलिए सर। ट्रेन करिए मार्च में। हाँ मार्च में एक एक आदमी क्वालिफाई हो गया। एक आदमी ने अपने नीचे चार लोगों का 400 पीपी कर लिया और वो क्वालिफाई हो गया। हाँ ठीक है, बाकी एनदर मतलब दो मंथ है, उसके बाद में दो मतलब और मतलब क्वालिफाई होगी, मतलब तीन और क्वालिफाई मतलब नेक्स्ट मंथ है, मतलब अप्रैल चल रहा है ना अभी, तो तीन आदमी क्वालिफाई हो गए, तो ये क्या हम क्वालिफाइड है या नहीं? सुमन सर आपका ना आवाज ब्रेक हो रहा है, तो अभी आई गेस 11 बज गया, बहुत लेट नाइट हो गया है। मैं आपको ना दोबारा कॉल करके सवाल पूछता हूँ, बाकी लोगों को फ्री कर देते हैं। ओके ओके सर, ओके ओके ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गो गोवा, ऑल द बेस्ट, लव यू, बाय। और कोई क्वेश्चन है तो अपने लाइन को आप पूछ सकते हो।